नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे हैं टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, बिना कहीं गए घर बैठे अपना मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में पुराना से पुराना SBI बैंक का स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अगर आप SBI बैंक का स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का बिना कहीं गए घर बैठे मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में SBI बैंक का स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है SBI क्यूक, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो इस ऐप को सबसे पहले मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और SBI का जितना भी सर्विस है इस प्रकार से यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है अकाउंट सर्विस के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रजिस्टर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर को टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है सबमिट के ऑप्शन, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज करने के ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यानी अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप पे किया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे सेंड करना होगा जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे मैसेज सेंड करना होगा। जैसे आप मैसेज सेंड कीजिएगा तो बैंक की तरफ से आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। तो चलिए इस मैसेज को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और इस मैसेज में बताया गया है कि आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो कि आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप मिस कॉल करके बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है कि मिस कॉल करके अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हैं मिस कॉल करके। और दोस्तों, अगर आप 6 मंथ का ई स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर 1 साल का डाउनलोड करना चाहते हैं या 2 साल का डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर 3 साल का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि 6 मंथ का ई स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है 6 मंथ ई स्टेटमेंट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर को टाइप करना है और दोस्तों, यहाँ पे अपना मनपसंद से 4 डिजिट का पासवर्ड नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें PDF में पासवर्ड लगा हुआ रहेगा, जो यहाँ पे आप नंबर को टाइप कीजिएगा वही नंबर से ओपन होगा। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज को चेक करना है, उसके लिए सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर में टाइप करना है SBI, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कस्टमर रिक्वेस्ट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम डिजिटल पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा बैंक अकाउंट के साथ
ईमेल आईडी लिंक है या नहीं है। दोस्तों यहां पे आपको चेक करना होगा, अगर ईमेल आईडी लिंक होगा तो दोस्तों यहां पे देखिए ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे आपको देख लेना है ईमेल आईडी लिंक है तो फिर आपको यहां पे अकाउंट नंबर को टाइप करना है, यहां पे 4 डिजिट का पासकोड टाइप करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से मैसेज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंड करना होगा, तो चलिए यहाँ पे हम एसएमएस सेंड करते हैं। जैसे सेंड करते हैं उसके बाद यहाँ पे चलिए हम बैंक हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ जाता है और इस मैसेज में देखिए बताया गया है कि योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आपके ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट को सेंड कर दिया गया है। तो चलिए ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम ईमेल आईडी को ओपन कर लिए हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मैसेज भी आ गया है, तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ इस प्रकार से ईमेल आईडी पर आ गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं और दोस्तों यहाँ पे जो हमने पासकोड को बनाए हैं यानी जो 4 डिजिट का पासकोड टाइप किए हैं यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए इस प्रकार से हम टाइप किए हैं, ओपन किए हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट 6 मंथ का ई स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो गया है बिल्कुल फ्री में। तो इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है कि आपके बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो ईमेल आईडी को लिंक कराने के लिए आपको बैंक जाकर लिंक करा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लें कि बिना एटीएम कार्ड के लास्ट 6 मंथ का ई स्टेटमेंट को आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 मंथ से अगर ज़्यादा का डाउनलोड करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। नेट बैंकिंग बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो यहाँ पे दिख जाता है न्यू यूजर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है तो फिर आप जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप ई स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कैसे डाउनलोड करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, ब्रांच में जाकर आप वहां से स्टेटमेंट को निकलवा सकते हैं।